बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर गांव के अंदर एक मकान में हुई सीलिंग को तोड़ दिया था, जिसके बाद एमसीडी ने मनोज तिवारी के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उस मकान को एमसीडी के द्वारा दोबारा से सील करने के बाद मनोज तिवारी ने सील तोड़ने की चेतावनी दी। दरअसल मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर गाँव का है, जहाँ पर एक मकान में एमसीडी की तरफ से सीलिंग लगाई गयी थी। बताया जा रहा है कि इस मकान के अंदर पशुओं को बांध कर रखा जाता था और डेयरी चलाई जाती थी। सीलिंग को लेकर गोकुलपुर गांव की जनता में काफी डर था और एमसीडी के खिलाफ रोष भी था। इसी दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के पास गोकुलपुर गांव की जनता गई और मनोज तिवारी ने रविवार को पहुंचकर उस मकान की खुद सील तोड़ दी और उसके बाद एमसीडी ने दोबारा उसी मकान को सील लगा दिया। सीलिंग लगने की वजह से मनोज तिवारी ने मंगलवार को सीलिंग तोड़ने की धमकी दी। इस धमकी को दिल्ली पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए गोकुलपुर गांव को सुबह से ही छावनी में तब्दील कर दिया, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर सहित एडिशनल डीसीपी आरपी मीना और थाने के एसएचओ सहित तमाम पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। जैसे ही मनोज तिवारी सैकड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ गोकुलपुर गांव में पहुंचे तो पहले से ही मौजूद पुलिसकर्मियों ने मनोज तिवारी को अंदर आने से पहले ही रोक दिया। मनोज तिवारी ने सहादरा उत्तरी जोन के डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार को 2 दिन का समय दिया है और धमकी देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर इस मकान से सीलिंग नहीं हटाई गई तो वह दोबारा 2 दिन बाद गोकुलपुर गांव पहुंचकर सीलिंग को स्वयं तोड़ेंगे। ने कहा हमें 5 लोगों को जाने दो। देखो, हम शांतिपूर्वक, ये जो अरविंद केजरीवाल पीठ पीछे से छुरा भोंक रहे हैं ना दिल्ली को, ये बहुत ही सरासर अन्याय है दिल्ली के साथ। 15 साल में कांग्रेस ने खाली अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करने का झांसा दिया। आप जहां खड़े हैं, ये लाल डोरा का गांव है। लाल डोरा के गांव में हर घर में 2 गाय 2 भैंस ये रख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आप जो किसान हैं उनको गांव गाय भैंस रखने को पैसा नहीं दिए तो आप उसको डेयरी घोषित कर रहे हैं। ये जो सरासर अन्याय पिक एंड चूज का हो रहा है, हम माननीय कोर्ट से कहते हैं कि एमसीडी के अधिकारियों को आप ये बोलो कि आप चल के दिल्ली के एक कोने से कार्रवाई करो। आप क्यों नहीं सीधे ओखला से कार्रवाई शुरू कर रहे हो, जहाँ पे सरकारी जमीन पे जमुना माई के छाती पे चढ़ करके लोगों ने घर बना लिया है, उस पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और आप सारा बल ये छोटे से गांव में गरीबों के ऊपर दिखा रहे हो, जिनको अपना घर को प्लास्टर करने का भी पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? अजय माकन क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हैं? ये जनता की लड़ाई है दोस्त। इस दिल्ली में जितने अनऑथराइज घर बन गए हैं, हम उनकी भी बात करना चाहते हैं। किसने बनवाए, इस कारण को समझिए। यहाँ गैर कानूनी सीलिंग हुई है। ये जो सीलिंग के नाम पर पूरे दिल्ली को जो परेशान किया जा रहा है, वो कोर्ट के डिसीजन के आड़ में गलत ढंग से सीलिंग की जा रही है। पिक एंड चूज सीलिंग की जा रही है। 500 घर में आप जो पैसा दे देता है उसको छोड़ देते हो, और जो जो जो, जो नहीं देता उसको तोड़ देते हो। ये व्यवस्था का अंत होना चाहिए कि नहीं? इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। भारी संख्या में तैनात पुलिस बलों, सैकड़ों की संख्या में ये भीड़, उस भीड़ में मनोज तिवारी जिंदाबाद के नारों की गूंज। गोकुलपुर गांव में कुछ अलग ही नजारा दिखाई दिया। इस भीड़ में भाजपा ही नहीं, अन्य पार्टियों से संबंध रखने वाले भी गांव की बात को देखते हुए इसमें शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस से हरीश चौधरी व सपा से सोनू पहलवान सहित गांव के बुजुर्ग भी आगे रहे। पीड़ित परिवार का इस पर क्या कहना था, आप स्वयं सुनिए। मेरी नहीं है, 50 गज का मकान है और सिर्फ 2 भैंस थी। हम लोग 50 आदमियों की फैमिली अपनी यूज के लिए रख रखी है। और 2006 से अध्यादेश आया था ये कि 2020 तक दिल्ली के गांव हिस्टोरिकल पैलेस वगैरह में कोई सीलिंग नहीं होगी। 2020 तक 2 अप्रैल को उसकी सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में जी। सीलिंग को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया, सीलिंग तो लगी हुई है जी। जो जैसे ये मुकदमा दर्ज हुआ जी, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। फिलहाल सीलिंग को लेकर कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है। 2 दिन बाद ही साफ हो पाएगा कि सांसद की बात पर अमल होता है या फिर पीड़ित परिवार के घर पर यूं ही सीलिंग लगी रहेगी। संदीप कुमार के साथ सर्वेश कुमार, तेज निगाहें दिल्ली। Thank you.